आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर एस विजय कुमार शालोम प्रेयर हाउस की तरफ से एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिनंदन करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए जो उसने दिया है कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों पर मनन करें। वचन के जिस भाग पर आज हम मनन करना चाहते हैं मेरे प्रियो, पाया जाता है पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसका 9 और 10 पद, जहाँ पर मैं और आप याबेस की जिंदगी के बारे में देखते हैं। याबेस की माता ने उसका नाम याबेस या कहकर रखा कि मैंने इसे बहुत पीड़ा में जन्म दिया है। मेरे प्रियो, मैं नहीं सोचता कि याबेस की माँ यहाँ पर जो जच्चा की पीड़ा है उसके बारे में वर्णन कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब याबेस का जन्म हुआ तब उस परिवार में कुछ ऐसी घटना घट गई जो याबेस की माँ सह नहीं पाई और उसी घटना को स्मरण रखते हुए उसने अपने बेटे का नाम याबेस रखा। याबेस नाम का अर्थ होता है कष्ट देने वाला या दुख देने वाला। मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि तुम दुख देने वाले, तुम कष्ट देने वाले हो, आपको कैसा लगेगा? मैं सोचता हूँ कि याबेस को भी अपना नाम पसंद नहीं था, लेकिन मेरे प्रियो, इस नाम के साथ जीवन का एक कड़वा अनुभव भी उसके साथ जुड़ चुका था। उसके अपने जीवन के अनुभव जुड़ चुके थे मेरे प्रियो, और संभव था उसके जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता नहीं थी, किसी भी प्रकार की आशीष नहीं थी और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी और बहुत उदास और निराश भरी परिस्थिति में पड़ चुका था मेरे प्रियो। लेकिन याबेस ने अपनी स्थिति को कैसे बदला? ऐसा क्या हुआ कि उसे एक नई पहचान मिली? मेरे प्रियो, आपका भी जो बचपन है बहुत बुरा हो सकता है, आपका अतीत का अनुभव बहुत खराब हो सकता है, ये मायने नहीं रखता कि आपका नाम क्या है, ये मायने नहीं रखता कि आपके बचपन में क्या घटनाएं घटी मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपके वर्तमान के पहचान को बदलने की सामर्थ्य रखता है। अपने उसी दुख और दर्द भरी पहचान में याबेस बढ़ने लगा और जैसे जैसे बढ़ने लगा मेरे प्रियो, उसने स्वयं अपनी जिंदगी में देखा कि किसी भी प्रकार की आशीष नहीं थी। लोगों ने याबेस को देखा कि याबेस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई आशीष नहीं है और वास्तव में उसकी जिंदगी के साथ एक दुर्भाग्य, कष्ट और दुख साथ में जुड़ा हुआ था मेरे प्रियो। और याबेस को अपना भी जीवन बिल्कुल वैसा ही नजर आता था, मानो उसके जीवन में एक दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इन्हीं सब बातों के बीच में याबेस ने कुछ ऐसा किया जिसने उसके भविष्य को बदल दिया, उसके इतिहास को बदल दिया और उसकी जिंदगी में एक नई पहचान को लेकर आया। याबेस ने ऐसा क्या किया मेरे प्रियो जिसने उसके जिंदगी में एक नई पहचान दी? बाइबल बताती है कि याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि हे परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे आशीष देता, तू मेरी सीमाओं को बढ़ाता और तू मेरी रक्षा करता। बाइबल बताते हैं मेरे प्रिय, जब याबेस ने इस प्रार्थना को परमेश्वर से किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जो कुछ याबेस ने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर आपके पहचान को कोई बदल सकता है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। यदि कोई आज आपके दुर्भाग्य को बदल सकता है वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, बचपन से संभवतः आज के इस दिन तक आपकी जिंदगी में कई घटनाएं घटी, आप आनंदित नहीं रह पाए, आप सुखी नहीं रह पाए, आपने हर समय दुखों का अनुभव किया, आपने हर समय पीड़ा का अनुभव किया, ऐसा रहा आपका जिंदगी मानो पीड़ा और दुख आपके साथ साथ एक परछाई के समान चलते रहे मेरे प्रियो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह उन सब बातों को बदल सकता है। याबेस की जिंदगी मुझे और आपको प्रोत्साहित करती है कि मेरे और आपका छुड़ाने वाला जीवित है और यदि मैं और आप अपनी चिंताओं को, अपने दुख और अपने परेशानियों को उसके सामने उंडेल दे और जो कुछ मैं और आप चाहते हैं अगर मैं और आप उससे मांगे तो परमेश्वर उसे देने का और उसे पूरा करने का वायदा करता है मेरे प्रियो। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि क्यों ना आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। हाँ, प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन को बदल सकता है। प्रार्थना ही वो माध्यम है जो आपके जीवन में एक नए पहचान को जोड़ सकता है। प्रार्थना ही वो माध्यम है जो आपके जीवन के कष्ट और दुख और दुर्भाग्य को आपकी जिंदगी से काट कर अलग कर सकता है मेरे प्रियो। क्या आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे? क्या आप परमेश्वर के पास आकर अपने दिल को उंडेलेंगे? हो सकता है आपकी अपनी दृष्टि में आपका जीवन आपको काटता हो, लोगों की जो बातें हैं मेरे प्रियो आपके जीवन के प्रति वो भी काटती हो, आपकी दृष्टि में आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं, लोगों की दृष्टि में आपके जिंदगी का कोई मूल्य नहीं। लेकिन याद रखें, एक ऐसा परमेश्वर आज है मेरे और आपके लिए जो हमारे जिंदगी को मूल्यवान समझता है और हमारे जीवन को एक मूल्य देना चाहता है मेरे प्रियो। अगर मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह के पास आए आज, अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अपने दिल की हर एक बात को बांट दें, अगर आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन को पूर्णता बदल देगा। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना वो माध्यम है जिसका उपयोग याबेस ने अपने जिंदगी में किया। आपका अतीत कैसा भी रहा हो, याबेस का अतीत बहुत अच्छा नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसका भविष्य बदल गया।
आज आपको भी परमेश्वर एक अच्छा भविष्य देना चाहता है। अगर आप इस सच्चाई को जानें और इस सच्चाई के ऊपर विश्वास करें कि आपकी ज़िंदगी में नई आशीषें जुड़ सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नया हो सकता है मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। याबेस का परमेश्वर आज भी जीवित है और याबेस का परमेश्वर मेरे और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं और आप उसे पुकारें और हमारी प्रार्थना को सुनकर जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे ज़िंदगी में पूरा करें। मेरे प्रिय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, क्यों ना आप याबेस की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके जीवन में नया सुख और नया अनुभव जोड़ने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे।